दोस्तों, इस 50 सेकंड के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एटीएम कार्ड का पिन कैसे जनरेट करे, यानी पिन कैसे बनाए। तो चलिए एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डाल लेते हैं। डालने के बाद में यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, तो इंग्लिश वाला लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में क्रिएट पिन वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ऊपर देखिएगा तो ओटीपी जनरेशन वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में लिख रहा है कि आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है अकाउंट में, उसको यहाँ पे दर्ज करके कंफर्म वाला ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में कस्टमर आईडी डाल लीजिए पासबुक से। उसके बाद में आपका जो ओटीपी आया है वो डाल लीजिए और कंफर्म पर क्लिक करें। लिख रहा है कि आपका ओटीपी कंफर्म कर लिया गया, पिन बनाने के लिए कंफर्म पर क्लिक करिए। यहाँ पर लिख रहा है कि जो आप पिन बनाना चाह रहे हैं वहाँ यहाँ पे दर्ज कर लिए। दर्ज करने के बाद लिख रहा है कि थैंक यू, आपका पिन बन के रेडी हो चुका है, सक्सेसफुल हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।